हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। और आज मैं निकलने वाला हूँ अहमदनगर जाने के लिए, क्योंकि कल मेरे एक बहन की एंगेजमेंट है। लास्ट ईयर भी मैं गया था क्योंकि मेरे एक दूसरी बहन की शादी थी। और या मॉम डैड आगे निकल चुके हैं, मैं वो कार से जा रहा है, बट मैं भी उनके साथ ही जाने वाला था पहले, बट वो लोग मंडे तक रहने वाले हैं एंड इट इज़ सैटरडे टूडे। और मुझे कल शाम तक किसी भी हालत में वापस पहुँचना है क्योंकि मंडे को वापस काम है मुझे। सो आई एम गोइंग बाय बाइक। और या सब गियर्स वगैरह पहन लिया है, सब रेडी हो चुका हूँ। अभी हेलमेट वगैरह लेके, लगेज तो मैंने कार में डाल दिया, मेरे पास सिर्फ मेरा टैंक बैग है। सो ज़्यादा लोड नहीं है बाइक पे। सो अभी हेलमेट पहनूंगा, बाइक पे बैठूंगा और आपको मिलता हूँ बाइक पे। लेफ्ट फॉर अहमदनगर, इट्स 320 राइट नाउ एंड इट इज़ शोइंग 37 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ। इट्स वेरी हॉट। मैं पागल जैसा जैकेट पहन के निकला हूँ बाहर। आई शुड हैव वोन माई आर्मर, बट कोई नहीं, एक बार हाईवे पे चले जाएंगे तो हवा लगती रहेगी और इतना गर्म नहीं होगा। सो लेट्स सी, अभी तो फर्स्ट थिंग मैं जा रहा हूँ पेट्रोल भरवाने। अभी तो है पेट्रोल, बट मैं अभी FC रोड जाके पेट्रोल भरवाऊँगा पहले और आपको फिर पेट्रोल पंप पे जाके मिलता हूँ। सो मुझे अभी आया था एक कॉल और कॉल पे बात करते करते मैं भूल गया कि मुझे पेट्रोल भरना है बाइक में, और मैंने मेरे दो पेट्रोल पंप जो रास्ते में थे वो मिस कर दिए। सो नाउ आई हैव टू गो टिल RTO। मैं जाने वाला था संगमवाड़ी से क्योंकि उधर का रोड बहुत खाली रहता है, पर अभी मुझे ट्रैफिक में घुसना ही पड़ेगा क्योंकि उधर वाले पेट्रोल पंप मुझे पता नहीं है ज़्यादा किधर है। नहीं तो डायरेक्टली विमान नगर पहुँच के भरवाना पड़ेगा। सो बेटर इसके मैं RTO का रास्ता लूँ और RTO से पहले पेट्रोल भरवा लूँ और उसके बाद मैं आगे निकलूँगा। तो आई सी यू देयर। फ्यूल्ड अप और अभी मैं मॉम को एक बार कॉल करके पूछूंगा कि वो कहाँ तक पहुँचे हैं, और मैं सीधा सीधा निकलने वाला हूँ अभी डायरेक्टली। सो आई जस्ट कॉल माई मॉम एंड फिर मैं आपको मिलता हूँ। यहाँ पे चालू है रोड का काम, मॉम से बात हो गई, मॉम डैड आगे है और मैं भी अभी डायरेक्टली जाने वाला हूँ नॉन स्टॉप। अगर स्टॉप लिया तो सिर्फ पानी वानी पीने के लिए लूँगा क्योंकि लंच वगैरह करके निकला था, ज़्यादा भूख नहीं है। पर मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि रोड का काम चल रहा है नगर हाईवे पे, अहमदनगर के हाईवे पे, क्योंकि वो परसों ही औरंगाबाद जाके आया। सो वो बोला कि हाईवे ख़राब है और ट्रैफिक वगैरह लगेगा। सो लेट्स सी क्या होता है। एंड या अभी मैं आपको अगर तो अभी मैं डायरेक्टली आपको हाईवे पे जाके मिलता हूँ क्योंकि इधर तो ट्रैफिक है और ट्रैफिक फास्ट फास्ट क्रॉस करना है। और एनीवेज एक लेन बंद करके रखी है रोड की, सो एक ही लेन से घुसना पड़ रहा है सबको। सो या आई विल सी यू ऑन द हाईवे डायरेक्टली।
सो जस्ट लेफ्ट फ्रॉम विमान नगर और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है बॉस। मतलब मैं सेकेंड थर्ड इतना ही कर रहा हूँ बाइक का, सेकेंड थर्ड गियर से ऊपर जा ही नहीं पा रहा। जैसा फोर्थ गियर डालने के लिए जा रहा हूँ गियर डाउन करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग पागल जैसा गाड़ी चला रहा है। मतलब इधर से इधर पागल होने वाला हूँ मैं अगर ऐसा ही चलता रहा अहमदनगर तक। तो लेट्स सी। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं ऑलमोस्ट 30-35 मिनट्स में डिहाइड्रेट हो गया। आगे थोड़ा अभी सिटी छोड़ूंगा और उसके बाद आई टेक अ स्मॉल ब्रेक, 5-10 मिनट का ब्रेक लूँगा पानी ने, तो अगर नींबू पानी वगैरह मिलता है तो वो पी लूँगा मैं। सो फाइनली लेफ्ट द सिटी, इट्स 4:15 राइट नाउ। पूरा एक घंटा लग गया मेरे को सिर्फ पुणे छोड़ने में। आई एम इन वागोली राइट नाउ, मतलब वागोली वगैरह क्रॉस करके थोड़ा सा आगे आया हूँ। और रास्ते अभी तक तो ठीक है, रास्ते का काम चल रहा है बहुत जगह पे, इसलिए रोड डाइवर्ट किए गए, डाइवर्जन बहुत है रोड पे। पर जितना सोचा था उतना ट्रैफिक था नहीं, पर रोड के काम की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया सिटी छोड़ने में। बट अभी हाईवे तो खाली लग रहा है, मतलब जितना ट्रैफिक सोचा था उतना नहीं है ट्रैफिक हाईवे पे। सो आई कैन मेंटेन अ गुड स्पीड नाउ, सो या एंजॉय द राइड। बोला ट्रैफिक नहीं है और इधर ट्रैफिक आ गया वापस। आई डोंट नो कब पहुंचूंगा, एक्चुअली सुबह ही निकलना था बट ऑफिस में काम था इसलिए मेरे को ऑफिस जाना पड़ा। डिजिटल मार्केटिंग के एजेंसीज में और ग्राफिक्स वाले फील्ड में मोस्टली वीकेंड्स को ज़्यादा काम रहता है, क्योंकि संडे को ऑफ रहता है हम लोग को और मंडे तक का काम करके रखना पड़ता है। सो मोस्टली वी हैव हेक्टिक सैटरडेज, मतलब वीकेंड्स बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है कभी कभी, तो संडे को भी काम करना पड़ता है। सो या निकलने में भी लेट हो गया और या इतना ही अभी के लिए। सो जस्ट टुक अ शॉर्ट ब्रेक हियर एट विट्ठल कामत जस्ट टू यूज द वॉशरूम एंड ड्रिंक सम वाटर, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया था। बहुत ज़्यादा गर्मी है, 36 डिग्री टेम्परेचर है, 36 डिग्री दिखा रहा है पर 37-38 तो गारंटी होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है आज। सो अभी तो पानी पी लिया, वॉशरूम यूज़ कर लिया, सो अभी ब्रेक डायरेक्टली मैं शायद लूँगा स्माइलस्टोन, नहीं तो मॉम से मेरी अभी बात हुई कि बीच में एक नई होटल खुली है तो उधर रुकेंगे। बट अगर तब तक मैं बहुत आगे रहूँगा और मॉम डैड पीछे रहेंगे कार में, सो क्योंकि मैंने उनको ओवरटेक कर लिया था बीच में और कार है इसीलिए ट्रैफिक में ज़्यादा स्लो चलना पड़ रहा है, और बाइक से मैं आगे निकल गया, सो इफ़ दे आर ज़्यादा पीछे सो मैं आगे निकल जाऊंगा और डायरेक्टली स्माइलस्टोन में ब्रेक लूँगा। और अगर रास्ते में कुछ होगा तो मैं अभी गोप्रो चालू रखूँगा मेरा, नहीं तो हम लोग डायरेक्टली मैं आगे का जब ब्रेक लूँगा तब मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। लिटिल चेंज इन प्लान, मैं रुकने वाला था स्माइलस्टोन बट अभी स्माइलस्टोन से आगे जा रहा हूँ क्योंकि यार रुक के कुछ करने के लिए था भी नहीं। सो मैं आगे जा रहा हूँ तो अभी डायरेक्टली इधर से मोस्टली घर जाऊँगा, नहीं तो बीच में किधर रुक जाऊँगा बिकॉज इट इज़ जस्ट 25 किलोमीटर लेफ्ट टू रीच होम। सो या आई विल सी यू व्हेनेवर आई स्टॉप और व्हेन आई विल रीच होम। सो जस्ट टुक अ ब्रेक हियर एट स्वीट होम विच इज़ जस्ट बिफोर नगर, एंड माई मॉम कॉल्ड मी एंड टोल्ड मी दैट वेट हियर वी नीड समथिंग एंड देन गो फॉरवर्ड। लाइक वो 5-10 मिनट ही दूर है मुझसे क्योंकि मैंने ब्रेक लिया था बीच में पानी वानी पीने के लिए, दो तीन मिनट ही रुका था और उधर कॉल आया मुझे कि इवन यू कैन वेट इफ़ यू वॉन्ट, हम लोग आगे रुकने वाले हैं। सो इवन आई एम वेटिंग राइट नाउ हियर, और मॉम एंड डैड आके आने के बाद हम लोग पीछे जाके कुछ खाएंगे और फिर निकलेंगे घर जाने के लिए, तो आई विल सी यू एट होम डायरेक्ट।
leaving from here and time is 6:50. Had a very good food. एक मसाला डोसा खाया मैंने और उसके बाद पी पंजाब लस्सी विच इज़ द स्पेशलिटी ऑफ दिस प्लेस. यू गाइज कैन ट्राई दिस प्लेस इफ़ यू आर कमिंग टू अहमदनगर और इफ़ यू आर गोइंग टू औरंगाबाद और वाइल कमिंग लाइक एनीथिंग एज पर योर कन्वीनियंस. बट यू गाइज शुड डेफिनेटली ट्राई पंजाब लस्सी ओवर हियर. सो ये वाला व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं. अगर आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा तो डू गिव अ लाइक एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल और भी अपने फ्रेंड्स को बोलो सब्सक्राइब करने के लिए लाइक करने के लिए वीडियो. और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए बाय.